स्पेशली आपके चेहरे से दाग धब्बों को खत्म करेगा। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी चेहरे पे दाग आ जाते हैं तो वो जाने का नाम नहीं लेते हैं, मुहासे आते हैं तो वो दाग छोड़ जाते हैं, पिगमेंटेशन रहती है, बाहर निकलते हैं तो धूप की वजह से हमारा रंग जो है धीमा पड़ता चला जा रहा है, हम ऑफिस गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, टाइम नहीं है, किस तरह से हम अपनी स्किन की केयर करें, कुछ इंस्टेंट हमारे साथ शेयर कर दीजिए। तो आज मैं एक इतना बेहतरीन DIY स्किन वाइटनिंग प्लस आपके डार्क धब्बों को खत्म करने के लिए एक फेस वॉश शेयर कर रही हूँ गाइज, जिसके रिजल्ट बहुत बेनिफिशियल है, साथ ही साथ ये आपके चेहरे के कलर को भी बहुत ज्यादा फेयर करने वाला है, बहुत ज्यादा ब्राइट करने वाला है। मैं हूं निगार और अपने चैनल पर इसी तरह की DIY सीक्रेट वाइटनिंग और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आप सभी के लिए शेयर करती रहती हूँ, हेयर केयर, स्किन केयर। तो अगर आप भी इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मुझसे जुड़ना ज्यादा दूर नहीं है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है रेड कलर का, जल्दी से उसको प्रेस कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ इसी तरह की अमेजिंग नेचुरल रेमेडीज देखने के लिए। चलिए देखते हैं कि ये डार्क स्पॉट रिमूवल फेस वॉश और स्किन ब्राइटनिंग फेस वॉश हमें किस तरह से बनाना है। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मुझे ढेर सारी मोटिवेशन देता है, और साथ ही साथ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये DIY फेस वॉश हमें किस तरह से बनाना है। तो इस DIY फेस वॉश को बनाने के लिए जो पहला हमारा इंग्रेडिएंट है गाइस, वो है आंवला पाउडर। ये ड्राई आंवला पाउडर है जो कि विटामिन सी का रिच सोर्स होता है और ये हमारी स्किन के लिए एक रामबाण औषधि की तरह काम करता है। अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, स्किन बहुत ज़्यादा डल है और चेहरे पे निशान रह गए हैं या फिर कहीं कहीं पे आपको भूरे ब्लैक पैचेस नज़र आते हैं, तो उनको ये ख़त्म करता है और आपके चेहरे की शाइन को बढ़ाता है, आपके चेहरे पे नया चार्म लेकर आता है, ठीक है। मैं यहाँ पर डाबर का आंवला पाउडर यूज़ कर रही हूँ, बट आपके पास जो भी हो वो आप यूज़ कर सकते हो, बशर्ते ये कि वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। तकरीबन एक चम्मच आपको भर कर आंवला पाउडर ऐड करना है एक बाउल में, ठीक है। एक चम्मच मैंने आंवला पाउडर ले लिया। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गाइज, वो है मुलैठी पाउडर। मुलैठी भी हमारी स्किन से जो भी दाग धब्बे होती है, जो भी पिगमेंटेशन होती है, अगर आपकी स्किन सांवली पड़ती चली जा रही है, धूप के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा रहती है, तो उससे भी स्किन का कलर अगर डल होता जा रहा है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली डार्क स्पॉट के लिए हम ये फेस वॉश बना रहे हैं तो डार्क स्पॉट के लिए मुलैठी पाउडर कमाल काम करता है, ठीक है। कितना लेना है आपको, तकरीबन एक चम्मच ही यहाँ पे हम मुलैठी पाउडर की ऐड करेंगे। अच्छा, जितने भी पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इजीली बाय कर सकती हूँ, ठीक है। एक चम्मच मैंने ले लिया मुलैठी पाउडर। अब यहाँ पे थर्ड इंग्रेडिएंट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है रेड लैंटिन पाउडर, यानी लाल मसूर की दाल का पाउडर। इसको मैंने अच्छे से फाइन, जो घर में आपके दाल हो उसको आप अच्छे से साफ करके पीस लो और छान कर पाउडर बना लो, ताकि अच्छी सी कंसिस्टेंसी हमको मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मसूर की दाल का काम क्या है गाइस, ये आपके चेहरे के रंग को फेयर करती है, दाग धब्बों को भी हटाने में बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली ये स्किन वाइटनिंग के लिए होती है, तो स्किन वाइटनिंग प्लस डार्क स्पॉट रिमूवल ये फेस वॉश हमारे बनने वाला है। तो कितना आपको डालना है, दो चम्मच आप इसमें लोगी मसूर दाल पाउडर, दो चम्मच मैंने मसूर दाल पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे फोर्थ इंग्रेडिएंट जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है ऑरेंज पील पाउडर। अगर आपके पास सूखे संतरे का पाउडर रखा हुआ है वो आप ले सकती हो, या फिर इसकी जगह आप लेमन पील पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हो। ये दोनों ही विटामिन सी का खजाना है, सारी चीज़ें विटामिन सी से भरपूर है गाइस, जो हमारे स्किन को लाइटर और ब्राइटर बनाने वाली है, साथ ही साथ चेहरे से हर तरीके के दाग धब्बों को ये ख़त्म करेगा, ठीक है। एक चम्मच ही हमें इसमें लेना है ऑरेंज पील पाउडर, एक चम्मच ऑरेंज पील पाउडर मैंने ले लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना है कि मोटे दाने वाली जो शुगर होती है ना, ये आपको ले लेनी है, ठीक है। ये क्या काम करेगी, ये आपके चेहरे से डेड सेल्स को रिमूव करेगी और शुगर के अंदर जो ग्लाइकोपील पाया जाता है गाइस, वो आपके चेहरे पे शाइन लेकर आती है, ठीक है। अगर आप शुगर ऐड नहीं करना चाहती तो इसकी जगह आप क्या करना कि आप इसकी जगह राइस फ्लोर ऐड कर सकती हो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चम्मच इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा महीन दाने वाली है, ज़्यादा मोटे दाने वाली आपको शुगर नहीं लेनी है। अगर आपके चेहरे पे एक्ने हैं, स्कार्स हैं, पिंपल हैं,
तो आप क्या करोगी, इसमें ऐड कर दोगी नीम पाउडर। मैं आपको ये सिर्फ बताने के लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। नीम पाउडर क्या करेगा, स्किन से जितने भी इन्फेक्शन है, इम्प्योरिटीज है, वो निकाल कर बाहर करेगा और आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है, साथ ही साथ मुहासे और कील आने से रोकता है, ठीक है। एक चम्मच आप इसमें नीम पाउडर की ऐड कर सकती हो। मैं इसमें इसलिए नहीं यूज़ कर रही क्योंकि मुझे कील मुहासों की प्रॉब्लम नहीं है, अपने लिए बना रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, कस्तूरी हल्दी या फिर वाइल्ड टर्मरिक जिसको हम बोलते हैं, वो आपको लेनी है, तकरीबन आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं लेनी है। अगर आप किचन हल्दी का इस्तेमाल करना चाहती हो तो वो भी कर सकती हो, बट आपको क्या करना है कि वो हल्दी आपको ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, बस थोड़ा सा, यानी 2-3 चुटकी आप उसमें कस्तूरी हल्दी की ऐड कर देना, ठीक है। ज़्यादा आपको नहीं डालनी, नहीं तो आपको चेहरे पे पीलापन दिखाई देगा। फेस वॉश में गाइस कुछ झाग जैसा नहीं है, आप सिर्फ ऐसे ही लगाओगे, बट झाग जैसा फील करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे फुलर अर्थ यानी मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है थोड़ा सा स्लिपरी होती है, और जब आप अपने फेस के ऊपर इसको लगाओगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप फेस वॉश अपने चेहरे पर लगा रहे हो। तो इसके लिए मैं इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमारे चेहरे को अच्छे से क्लीन भी करती है गाइस, और जल्दी से ऑयल, डर्ट और सीबम को हमारी स्किन ऊपर नहीं आने देती है। साथ ही साथ अगर आपके पोर्स ना ओपन हो गए, क्योंकि ओपन पोर्स के लिए आप लोग बहुत ज्यादा पूछते रहते हो, तो ये फेस वॉश जो हम बना रहे हैं ना, ये ओपन पोर्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करने वाला है, ठीक है। आपको तकरीबन 1-1.5 चम्मच इसमें मुल्तानी मिट्टी की ऐड करनी है, और इन सारी चीजों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने इन सारे पाउडर्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है गाइस, और अब आपको क्या करना है, कोई भी आपके पास एयर टाइट कंटेनर हो तो उसमें आप इस पाउडर को भर लीजिएगा। तो मैंने इस DIY फेस वॉश को एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लिया है गाइस, ठीक है। जब भी आपको लगाना हो इससे फेस वॉश निकालिए और यूज़ कीजिए। इसका इस्तेमाल आप दिन भर में 2-3 बार कर सकती हो, एक बार मॉर्निंग में कर लीजिए, एक बार नाइट में कर लीजिए, या मान लीजिए आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, चेहरा बहुत ज़्यादा डल लग रहा है, तो ये इंस्टेंट आपको फ्रेशनेस देगा, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। लगाने का तरीका क्या है, चलिए वो भी बता देती हूँ, ठीक है। जब भी आपको अपना फेस क्लीन करना हो, आप क्या करोगी कि आप इससे थोड़ा सा उतना क्वांटिटी में ले लीजिएगा ये फेस वॉश, जितना कि आपकी स्किन के लिए इनफ हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच ले लिया है। इसके बाद मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ दही का, ठीक है। 1 चम्मच मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी। आप इसमें दूध की मलाई ऐड कर सकती हैं, या फिर आप इसमें शहद का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ये दोनों ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, आपके लिए जो भी सुटेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकती हो, ठीक है। इस फेस वॉश को गाइस दही के साथ आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, पाम के ऊपर कर लीजिए, ठीक है। और ये हमारा फेस वॉश जब इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाए ना, तब आप इसको अपने फेस के ऊपर लगा लेना, ठीक है। ये देखो आप इस तरह से आप अपने चेहरे के ऊपर इसको लगा लेना, और लगाने के बाद आप इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दोगी। 5 मिनट बाद ये सारी चीजें आपकी स्किन के ऊपर अपना असर छोड़ चुकी होंगी गाइस, ठीक है। तब आपको क्या करना है, हल्का सा आप इस तरह से रब करेंगे अपनी स्किन के ऊपर, सर्कुलर मोशन में गोल 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 इस तरह से घुमाते हुए आपको अपनी स्किन को क्लीन करना है। ये आपके चेहरे से डेड सेल्स को भी रिमूव करेगा, इंस्टेंट ब्राइटनिंग देगा, ठीक है। और डार्क स्पॉट रिमूवल है तो डार्क धब्बों को हटाने के लिए 5 मिनट तो आपको रखना ही पड़ेगा स्किन के ऊपर, ठीक है। तो ये आप देखें इस तरह से 5 मिनट बाद आप अपने चेहरे पे अच्छे से सर्कुलर मोशन में तकरीबन 2 मिनट का मसाज करोगी। 2 मिनट का ये मसाज करने के बाद आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लो। तो ये देखिए गाइस, चेहरा बिल्कुल क्लीन हो गया, और इस फेस वॉश से धोने के बाद भी स्किन की ब्राइटनेस आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये फेस वॉश बहुत ही अमेजिंग है और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा। जब आप इसको यूज़ करोगी तभी आपको पता चलेगा कि ये वाकई बहुत अच्छा काम कर रहा है स्किन के ऊपर, ठीक है। बिल्कुल चेहरा क्लीन हो गया है मेरा, और अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा फेस मॉइस्चराइज़र आप ज़रूर अप्लाई करेंगे, स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं छोड़ना है आपको, मॉइस्चराइज़र आप ज़रूर लगाएंगी, ठीक है। कोई सा भी फेस मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हो। जब आप अपने फेस को इससे क्लीन कर लेना, तो उसके बाद थोड़ा सा फेस मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लेना, ठीक है।
तो ये देखें आपके चेहरे पे नेचुरल ग्लो बना रहेगा, इससे स्किन ड्राई नहीं होगी, पैची नहीं लगेगी और साथ ही साथ स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगी। और ये फेस वॉश का इस्तेमाल आप डेली बेसिस पे कर सकती हो, ठीक है, इसका कोई भी हार्मफुल रिजल्ट नहीं है, तो यकीनन बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम है गाइस, तो आप कोई भी केमिकल वाला फेस वॉश इस्तेमाल ना कीजिए, ठीक है, इन्हीं चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए, इसी से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। लगाने का तरीका मैंने बता दिया है, अगर आप 15 प्लस हो चुकी हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकती हो, ये बहुत अच्छा काम करेगा चेहरे से हर तरीके के दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए, स्किन को ब्राइटर करने के लिए, पोर्स को श्रिंक करने के लिए, अगर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो भी आपकी खत्म होगी, पोर्स आपके बंद हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और चेहरा भी आपका टाइट लगेगा, ठीक है। तो स्किन टाइटनिंग प्लस डार्क स्पॉट रिमूवल प्लस स्किन वाइटनिंग और इतने कमाल की चीजें इसमें मौजूद है गाइस, तो एक बार इसको ट्राई करना तो बनता है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कीजिए और इसके अमेजिंग रिजल्ट आपको जब 7 डेज के अंदर दिखाई पड़ने लगे, ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, तो आप इसको यूज़ करती रहिए, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। इस्तेमाल कीजिए इस तरह की चीज़ों का जो कि वाकई आपकी स्किन के लिए, आपके चेहरे के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, इनसे आपको हमेशा ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए आगे भी बहुत अच्छी रेमेडीज और DIYs मैं अपने चैनल पर लेकर आने वाली हूँ, और साथ ही साथ गिव अवे अनाउंस करना है मुझे, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, 12 बजे आने वाले वीडियोस को देखिए और फुल वॉच कीजिए वीडियो को, जल्द ही मैं गिव अवे अनाउंस करूंगी किसी भी वीडियो में। तो ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ की लिंक को शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ढेर सारा अच्छे से ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।